हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने कुछ थ्योरम देखे थे। दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। एक थे थ्योरम यूनिकनेस ऑफ लिमिट पॉइंट और एक थ्योरम था कि अगर कोई सिक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये हमने देखा था। आज हम एक और थ्योरम देखेंगे और मेन जो आज का क्लास होगा वो क्लास है स्टूडेंट कॉसी जो सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस पर बेस्ड है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, थ्योरम बनाएंगे। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा पिछली क्लास के थ्योरम में, ये चीज़ आप बोल जानो वेस्ट्रास थ्योरम जो है वो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बोल जानो वेस्ट्रास थ्योरम क्या है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है। और मैं क्यों ये छोटी छोटी बातों का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको ये छोटी बातें पता होंगी उतनी आसानी से आप क्वेश्चन बना पाओगे, उतनी आसानी से आप थ्योरम को बना पाओगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इन्हीं पर बेस्ड होती हैं, है ना। तो ये थ्योरम क्या कहता है, बोल जानो वेस्ट्रास थ्योरम जो है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम के पास कम से कम एक क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। क्या प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम कम से कम एक सीमा बिंदु रखता है, ऐसा लिखा है, राइट। एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस हैज अ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। जितने भी बॉन्डेड सीक्वेंस होंगी उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, है ना, ये शर्त है। और बॉन्ड का वही मतलब है, कहीं ना कहीं जाके वो क्या है, वो बंद जाएगा, रुक जाएगा, मतलब या तो अपर बॉन्डेड होगा या फिर लोअर बॉन्डेड होगा या फिर दोनों हो सकता है, तो कम से कम एक होगा ही होगा। इतना लिख दिया तो भी काफ़ी है, आप भी इतना ही लिख सकते हो, है ना। बड़े क्लास में जाओगे तो इतना ही लिखा रहता है, हम वहाँ पर रियल नंबर का सीक्वेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का सीक्वेंस है उस पर बात नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं सीक्वेंस, है ना। तो एवरी बॉन्ड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ओके। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इस क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉसी सीक्वेंस। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोई सीक्वेंस को हम कोसी सीक्वेंस कब कहेंगे। एक सीक्वेंस एसएन है, उस सीक्वेंस एसएन को हम कोसी सीक्वेंस कहेंगे यदि दिए गए प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का अस्तित्व इस प्रकार हो कि क्या एसएन माइनस एसएम इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर ऑल एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट और जानते हैं मैंने क्या कहा। तो एक सीक्वेंस एसएन को हम कोही सीक्वेंस कहते हैं यदि प्रत्येक जो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो है उसके लिए क्या हो, एन नॉट का इस प्रकार से अस्तित्व हो। किस प्रकार से, एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर ऑल एन एम इज ग्रेटर देन एन नॉट। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट फिर से सुनना क्या कह रहे हैं, अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी कोसी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन इज सच दैट, ऐसा, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट इसका क्या मीनिंग है, हमने ऐसा क्या कहा। तो ये मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा ये जो होता है ये क्या होती है, सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं। कौन सा टर्म्स, एनवा वाला टर्म्स, एनथ टर्म्स होता है, लास्ट वाला ये बोल सकते हैं जो हम रखते हैं। तो ये जो टर्म्स है ये टर्म्स है, अगर सीक्वेंस के अंदर हमने एक टर्म्स ले रखा है एसएन, है ना, ऐसा अगर बोल दे तो वो सीक्वेंस ऐसा बोलते हैं तब सीक्वेंस है। ऐसा बोलने से क्या होता है, ये सीक्वेंस का एनवा वाला पद है, है ना, एन एथ टर्म है। तो हमने क्या किया, उसी सीक्वेंस में एसएन टर्म लिया और एक टर्म लिया एसएम लिया, ये दो अलग अलग है नंबर्स एस और एम, इनका डिफरेंस भी क्या हो जाता है, एप्सिलॉन से छोटा होता है। अगर ऐसा स्थिति मिला किसी भी सीक्वेंस में, हमने क्या किया उसका एनएथ टर्म लिया और उसका एमएथ टर्म लिया और दोनों का क्या कर दिया, डिफरेंस किए और डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन से छोटा होता है। और एप्सिलॉन स्वयं में क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, ये जीरो के आसपास होता है ये वैल्यू, है ना, आर्बिट्ररी स्मॉल वैल्यू होता है। तो ये क्या है, इनका डिफरेंस इतना कम आता है, तो ऐसे कोई भी सीक्वेंस जो ऐसे कंडीशन रखता हो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कोसी सीक्वेंस कहेंगे। अब देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल में और मज़ा आएगा स्टूडेंट कि हमने जो कहा उसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ले सकते हैं, देखिएगा हैं। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, एक सीक्वेंस लिया है ये, और ये सीक्वेंस क्या है, कोसी सीक्वेंस है। तो इस बात की पुष्टि करना है मुझे कि ये कोसी सीक्वेंस है, है ना, कोसी अनुक्रम है, मतलब ऐसा आना चाहिए इसके लिए।
तो देखिएगा, मैं इसको मैं प्रूव करना चालू करता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस है तो मैंने यहाँ पर कारण लिख दिया है। आपके बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया होगा या फिर एक ही लाइन में बता दिया होगा, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा आपको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी होती हैं करके। तो मैं क्या बोला हूँ कि दिया है एक सिक्वेंस, क्या है, एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन। देखिए ये और ये सेम है, मतलब मैं इसको इस प्रकार से देख सकता हूँ, मैंने अपने सुविधा के लिए इसको ऐसा लिख दिया है। अगर टर्म्स को रखता चला जाऊँ, यहाँ वन रखूँगा तो ये वाला मिलेगा पहला टर्म्स एस वन, दूसरा वाला टर्म्स क्या मिलेगा, जब टू रखूंगा तो वन अपॉन टू मिलेगा, थ्री रखूंगा तो वन अपॉन थ्री मिलेगा, एन रखूंगा तो वन अपॉन एन मिलेगा। तो मैं सीक्वेंस को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ ऐसा, है ना। अब देखिएगा, मैं इसको सेम टू सेम जैसा मैंने कोसी सीक्वेंस का डेफिनेशन पढ़ा था उसके अनुसार से एडजस्ट करने का कोशिश करूँगा। कैसे, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एम और एन का अस्तित्व इस प्रकार है कि कैसा है, वो ग्रेटर देन एन नॉट है, है ना। यहाँ पर सेम था वह, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख दिया है। तो मैं क्या बोला हूँ कि दो हमारे पास एम और एन है, ये दोनों क्या है, ये हमारे टर्म्स के लिए नेचुरल नंबर्स होती है ना। इस ग्रेटर देन एक ऐसा और नेचुरल नंबर एन नॉट होगा, है ना, उससे छोटे होंगे, ऐसा मैंने लिखा है जैसा डेफिनेशन पढ़ा था वैसा। और माना कि भाई मैं मान लिया कि जो मैं एम लिया हूँ वो छोटा है एन से, या है ना, और आपके बुक में ऐसा दे दिया होगा कि एम बड़ा है एन से। आप किसी को भी ले सकते हो, आपका मर्जी है, मैंने सुविधा के लिए इसको ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा n बड़ा है m से, तो मैं क्या करता हूँ, आप जानते हो दो सीक्वेंस है, अगर उसके अलग अलग टर्म्स है n के लिए अलग टर्म्स आएगा, m नंबर अलग है क्योंकि ये अलग रियल नंबर है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ समझ लीजिएगा, s1 अलग है और s2 अलग है कि नहीं, तो 1 वाला जो पार्ट है वो क्या है n मान लो, और ये वाला क्या है m है मान लो। तो ये जो अलग अलग टर्म्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आती हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ एस एन माइनस एस एम। तो एस एन क्या है स्टूडेंट, वन अपॉन एन लिख दूंगा, है ना, एनवा वाला टर्म्स, और इसमें क्या लिख दूंगा एमवा वाला टर्म्स, लिख दिया ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू कर देता हूँ। अब देखिए कि इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एन हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम और माइनस हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट, कहीं कहीं भी आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर मैं इसको लेस देन वन अपॉन एन करूँ तो ये क्या सत्य होगा, होगा, चेक करके देखिएगा। n की जगह डिफरेंस वैल्यू रखिएगा और m की जगह कुछ डिफरेंट वैल्यू रखिएगा और चेक करके देखना, इधर जो भी आएगा हमेशा इससे छोटा ही आएगा, है ना, चेक करके देख लेना। अगर आप m के वैल्यू अलग रखते हो, n के वैल्यू अलग रखते हो, तो इधर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, मान के चलो, चलो मैं बोल देता हूँ टू रखता हूँ, क्या रखूँगा, एन के जगह टू रखूँगा तो यहाँ टू, और एम के जगह मैं वन रख लेता हूँ, तो यहाँ पर जो आने वाले है क्या है, माइनस वन अपॉन टू आएगी नीचे में, तो माइनस वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू से छोटा है कि नहीं, समझ आया बात। तो ये वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फिर से दोबारा लिखता हूँ, आप नहीं लिखना, मैं सुविधा कर लिख रहा हूँ ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ, चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं क्या लिखूँगा, एस एन माइनस एस एम इज लेस देन, ऐसा बोल सकता हूँ, सॉरी, इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूँगा, एम माइनस एन अपॉन में क्या आया है एम एन इस लेस देन वन अपॉन एन आया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसके जगह मैं इसको लिख दूं क्या, मैं पूरे चीज़ को हटा दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा, तो ये बराबर जो साइन है उसको क्या लिखना पड़ेगा, इस बराबर साइन को क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए एस एन माइनस एस एम इस लेस देन वन अपॉन एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं हटा दिया तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये बड़ा वाला जो भी लिखेंगे तो उसके लिए ये बड़ा वाला साइन लगा दिए, तो ये हटा दिया मैंने, समझ गए। ये इक्वेशन नंबर आपका टू है स्टूडेंट। अब मान लो हम क्या करते हैं, मान लो क्या कर लिए, मान लो जो आपका एन नॉट है ना, वो एन नॉट, या फिर बोल दें, हाँ ठीक है, एन नॉट इज ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपका जो एन नॉट है मैंने मान लिया है, ओके, इस प्रकार से माना हुआ है, कहाँ से आया सर, ऐसा नहीं पूछना। अब मैं क्या बोल दिया, इसको मैं पक्षांतर करूँगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन वन अपॉन एन नॉट मिलेगा, ठीक। अब देखिएगा ये एन और एन नॉट के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, कैसा संबंध है स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि एन बड़ा है एन नॉट से, तो एन नॉट के लिए भी आपको क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन मिल रहा है, मान के चलो क्या, वन अपॉन एन नॉट के जगह मैं बड़ा वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, तो क्या वन अपॉन
एन के जगह भी मैं एप्सिलॉन लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, एन के वैल्यू आप और बढ़ाते चले जाओगे क्योंकि ये तो एन नॉट से भी बड़ा है। तो ये जो कंडीशन है इसी के जैसा आपको क्या मिलेगा? एप्सिलॉन बड़ा मिलेगा। मतलब आप क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन वन अपॉन एन नॉट, ऐसा लिख सकते हो, है ना, कि एप्सिलॉन की ओर क्या रहेगी वो आपका ये बड़ा वाला साइन, आपका मुंह खुला रहेगा। तो यहाँ पर भाई ये तो साइन पहले से लगा हुआ है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आप देखिएगा, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एस एन मैं लिख दिया, एस एम, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए? वेयर आल एम एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट? मैंने क्या लिया था? मैंने वन अपॉन एन एक प्रकार का सीक्वेंस लिया था। उस सीक्वेंस के लिए आपका जो कोसे सीक्वेंस का डेफिनेशन है, क्या वो फुलफिल हो पाया? क्या वो उसी के जैसा दिख रहा है? हाँ देखो, तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? एक प्रकार का कोसे सीक्वेंस है। ओके, अब हम बात करते हैं कोसे सीक्वेंस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स। पहला थ्योरम्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट? एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ कोसे सीक्वेंस। मतलब प्रत्येक जो भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगी, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होगा? कोसी अनुक्रम होगा। फिर से देखिएगा, क्या दुनिया का हर एक वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस, दुनिया का हर एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होगा? कोसी सीक्वेंस होगा ही होगा। तो पहले से बोल दिया है क्या ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है, मान के चलो, है ना। माना कि माना एस एन एक क्या है? अभिसारी अनुक्रम है, मान लिया स्टूडेंट, ठीक है, अभिसारी अनुक्रम है। ओके, अभिसारी अनुक्रम है स्टूडेंट। तब क्या होता है? आप जानते हो, तब आपको क्या पता होना चाहिए? तब लिमिट एस एन इज इक्वल्स टू एल, एन टेंस टू इनफाइनाइट, ऐसा होता है स्टूडेंट। अगर कोई सीक्वेंस अभिसारी अनुक्रम है उसके पास क्या होता है? लिमिट पॉइंट होती है, ठीक है, है ना। अब हम क्या करेंगे इसके परिभाषा से क्या? परिभाषा किसके? परिभाषा या बोलो आप लिमिट पॉइंट की, या फिर बोलो आप कन्वर्जेंस सीक्वेंस की। लिमिट पॉइंट और कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन एक जैसा ही होता है। हम पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहते हैं, सीक्वेंस को कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, ये उसकी लिमिट पॉइंट होगा। तो हर एक सीक्वेंस जिसके पास कन्वर्जेंट क्या होता है? एक लिमिट पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहते हैं। तो किसके परिभाषा से? आप अभिसारी अनुक्रम के परिभाषा से ये आप चीज लिख लेना, ठीक है, वहाँ पर आप लिख लेना। तो दिए गए क्या? दिए गए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एम का अस्तित्व, है ना, एम का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ऐसा आप लिखते हैं दैट, ठीक। दिए गए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एम का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है तो इसे आप कन्फ्यूज मत होना, आप लिख सकते हो आपके कॉपी में ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट, ऐसा लिख देना। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसा लिख सकते हो, चलेगा, है ना। तो कैसा होता है? ऐसा होता है, ये शॉर्ट कर देता है ना, जब हम हिंदी में लिखते हैं तो लंबा चौड़ा हो जाता है, इंग्लिश में इतना हो जाता है। क्या एस एन, या फिर मैं एस, इसके को मैं दूसरा नाम देता हूँ एस के, एस के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, क्या रहता है हमेशा? आपको याद होगा हम क्या करते हैं? एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन करते हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर होता है, ये टर्म्स होता है एनएथ वाला टर्म्स उस सीक्वेंस का। तो इसको मैं कुछ भी रखूंगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, उसी प्रकार से के भी रख सकता हूं। मैं के को मान लिया, क्या है? एक नेचुरल नंबर है स्टूडेंट। ओके, वेयर आल एन एंड के इज ग्रेटर देन एन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और एन नॉट कहां पर है हमेशा? इस नेचुरल नंबर पर है। ओके, मान लो एम और एन दो क्या है? नेचुरल नंबर है, और वे एन नॉट एक और नेचुरल नंबर है, उससे क्या है? बड़ा है। तब मैं क्या करता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट? क्या एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वेयर आल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, लिख सकता हूँ स्टूडेंट। किसके लिए? इस एन के लिए। मैंने इसी डेफिनेशन को ऐसा लिख दिया है ना, इसे आप कन्फ्यूज मत होना। अब मैं क्या एम के लिए भी लिख सकता हूँ इस प्रकार से, एस एम माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वेयर आल एम इज ग्रेटर देन एन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया स्टूडेंट। तो मैंने दो इक्वेशन प्राप्त कर लिया, कहाँ से? मैं
कहाँ से, यहीं से प्राप्त किया हुआ है मैंने इसको, ठीक है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो देखिए 2 और 3 से आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो। मैं लिख देता हूँ क्या, Sn-L, ठीक है, मॉड, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पक्ष आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका मॉड Sm-L, और इधर क्या हो जाएगा, ये लेस देन साइन रहेगा, और ये आपस में जुड़ेंगे ε/2 प्लस ε/2 जुड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिएगा बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक चीज़ मैंने बताया था क्या, जो सीक्वेंस होती है इन सीक्वेंस को आपस में मॉड के अंदर है, या फिर जो भी वैल्यू होती है, सीक्वेंस हो या नंबर हो, कुछ भी एलिमेंट हो, तो अंदर में इनको चेंज कर सकते हैं। तो मैं चेंज कर दूंगा इसको, ठीक है, मैं चेंज कर दिया क्या, Sn, ये जैसा का तैसा है, प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ L-Sm, इस लेस देन इधर तो है क्या, ये आधा एप्सिलॉन है, ये आधा एप्सिलॉन है, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा, पूरा एप्सिलॉन बन जाएगा। समझ आया, ये आधा था, ये आधा था, दोनों मिलके क्या बन गया, पूरा एप्सिलॉन बन गया। ओके, आगे चलते हैं फिर से, क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पे जो मोड है, अब मोड को बांटते हैं, आपको याद होगा, अब मोड को हम क्या कर सकते हैं, पूरे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं सारे पे हम लगा सकते हैं। तो मोड को मैं हटा दूंगा, बाहर में लगा दूंगा मोड को, तो मैं मोड को हटा दिया, बाहर में लग दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, Sn पहले मौजूद था, L पहले से मौजूद है, यहाँ पे प्लस रहेगा आपका, L यहाँ पे मौजूद होगा, और ये आपका Sn जैसा का तैसा है, Sm सॉरी, अब ये लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, मोड को हटा दिया, बाहर में लगा दिया, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट Sn-Sm इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, किसके लिए, ऑल Mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने शुरुआत किया था किससे, हमने शुरुआत किया था कन्वर्जेंस सीक्वेंस के डेफिनेशन से, हमको क्या मिला, कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन मिल गया। तो यहाँ से क्या चीज़ पता चला, ये कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन है ना, हमने यही तो सीखा था क्या, Sn-Sm इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर ऐसा, ठीक, कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन आ गया, कहाँ से बात किए, कन्वर्जेंस सीक्वेंस से। तो यहाँ से ये पता चला स्टूडेंट कि हर एक जो आपका अभिसारी अनुक्रम होता है वो क्या होता है, कॉसी अनुक्रम होता है, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ कॉसी सीक्वेंस, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, एक बार और फिर से ध्यान से देखिएगा क्या है, कहाँ से क्या चीज़ आया हुआ है। ओके, ये हो गया आपका प्रूव्ड, यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड करके। ओके, चरण नंबर 2 क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, देखिएगा, प्रत्येक कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है, जो भी कोशी सीक्वेंस होंगी वो बॉन्डेड होगा ही होगा, ऐसा हमको शो करके दिखाना है। तो हम इसका प्रूफ क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रूफ में मैं फिर से बोल दिया क्या, हम शुरुआत करेंगे कोशी सीक्वेंस से और ख़त्म करेंगे कहाँ पर, बॉन्डेड सीक्वेंस पर। तो मैं ले लिया, माना कि क्या है Sn, क्या है कोशी सीक्वेंस है, और कोशी सीक्वेंस है तो कोशी सीक्वेंस के डेफिनेशन से प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, मैंने यहाँ पर 1 ले लिया है पहले से। There exist m n is greater than or equal to n not belongs to n, इस प्रकार से ले सकते हैं स्टूडेंट, और such that आप जनरली ऐसे ही लिखा करो, आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी ऐसे ही लिखा करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हो Sn-Sm is less than क्या होगा, 1, एप्सिलॉन की जगह 1 रख दिया हूँ मैं, where all n m is greater than or equal to n not belongs to n, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपका डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, ये हो गया आपका कोशी सीक्वेंस का डेफिनेशन, हमने जो बोला था उसको लिख दिया। तो यहाँ पर एक बात और स्टूडेंट, कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है Sm-Sn, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, इसे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बुक में कभी कभी ऐसे लिखा होगा Sm-Sn, मैंने इसके पढ़ा का बुक देखा है, वहाँ पर लिखा है Sm-Sn, तो इसे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक विशेष स्थिति लेते हैं, एक स्पेशल कंडीशन, जहाँ पर ये जो आपका नेचुरल नंबर एम है उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, उसको एम नॉट ले लेंगे या कुछ दूसरा के दे देंगे, आपका मर्जी है आपको क्या नाम लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेशल कंडीशन बना दिया और उस स्पेशल कंडीशन में क्या बोला कि ये आपका क्या था, ये एस एन जैसा का जैसा तैसा है और ये क्या हो गया, एस एम क्या है, एस एम नॉट बन गया है ना, इसको जुड़े नहीं बोलते ना, एस एम नॉट, और कैसा है वो एन से भी छोटा है। तो मैंने इस प्रकार से ले लिया, इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या है, एक विशेष स्थिति है स्टूडेंट। तो जानिएगा मैं आपको क्या बताया था, जब ये बता रहा था कि कोई अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध है, सबसे पहला थ्योरम जब शुरुआत किए थे हम लोग बताए थे पिछले वाले वीडियो में, तब हम क्या किए थे, इस प्रकार से जो होता था यहाँ पर एल होता था, तो हम इस मॉड को तोड़ के इसके साथ बांटते थे। तो देखिए कि स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम मॉड को हटाएंगे तो कैसे बांटेंगे, आप लिखिएगा एस एम नॉट माइनस वन इज लेस देन, ये आपका सीक्वेंस बीच में रहता है हमेशा एस एन, और ये लेस देन हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एस एम नॉट प्लस वन, हमने इसको बांट दिया है, इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये समझ आया होगा स्टूडेंट। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, फिर से याद कीजिए कि स्टूडेंट ऐसा ही कंडीशन मैंने वो पहले वाले थ्योरम में पिछली क्लास में लिया था, और वहाँ पर बस यहाँ पर एस एम नॉट की जगह एल हुआ करता था, तो उसको मैंने ऐसा बांटा था, बांटे के बाद मैंने वहाँ पर स्मॉल एम लिया था और स्मॉल कैपिटल एम लिया था, जिसके एक को मैंने बोला था क्या अपर बॉन्ड और एक को बोला था लोअर बॉन्ड। तो देखिएगा स्टूडेंट मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिखा है, तो मैं क्या करूँगा एक कलेक्शन बनाऊँगा सिक्वेंस का, और वहाँ से मैं मिनिमम सेलेक्ट करूँगा, और कैसे सिक्वेंस बनाना है आपको, इस एम से क्या एस एन से इस ओर जाएगा वो, तो यहाँ जो भी आने वाला है वो मिनिमम होगा, तो हमको मिनिमम सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी मिनिमम वैल्यू यहाँ से आएंगी वो कहाँ तक जाएंगे, वो पहली एस एम नॉट माइनस वन तक जाएगा इधर, तो यहाँ से हमको एक मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो जो भी वैल्यू होती है, मैं बताया था यहाँ पर क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, ये क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ सिक्वेंस, किसी भी अनुक्रम के पदों का कलेक्शन होता है, ये संग्रह होता है, तो यहाँ से जो भी आएगा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, उस रियल नंबर को मैंने क्या नाम दिया है, स्मॉल एम, आपके बुक में के दिया होगा स्मॉल के, है ना, आप डिफरेंट टाइप से अपने अनुसार से लिख सकते हो, ये आपका वो तरीका हो सकता है लिखने का, किसी भी माध्यम से आप लिखो, लेकिन उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मायने बदलना नहीं चाहिए। अब हम आ जाते हैं उसी प्रकार से, फिर से एक कलेक्शन लेंगे, कलेक्शन कैसा लेंगे, वो जो सिक्वेंस है एस एम नॉट से इधर की ओर जाएंगे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इधर की ओर जाएंगे, तो देखिएगा इधर जो भी मिलने वाली है क्या है, मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएंगी इन कलेक्शन से, उसको मैंने क्या नाम दिया है, कैपिटल एम। यहाँ पर मैक्स का क्या मतलब है, यहाँ से आपको कोई मैक्सिमम सेलेक्ट करना होगा, है ना, ऐसा बोल रहा है। तो देखिएगा जब इस सीक्वेंस के पास क्या है, कुछ मिनिमम वैल्यू है और कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, इसको एक मिनिमम वैल्यू जो भी है रियल नंबर उसको बोला जाता है क्या, उस सीक्वेंस का लोअर बाउंड, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको कहा जाता है उस सीक्वेंस का अपर बाउंड, तो या फिर बोलते हैं निम्नतः परिबद्ध, और ये क्या बोलते हैं उच्चतः परिबद्ध। तो सीक्वेंस के पास क्या है, ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, एक स्मॉल एम है जो कि लेस देन है ना पूरे सीक्वेंस से एस एन से, और एक सीक्वेंस एक और क्या है रियल नंबर एम है जो कि बड़ा है इस एन से। तो देखिएगा ये क्या मिल गया आपको, ये कंडीशन मिल गया किसी सीक्वेंस को बॉन्डेड कहने का, निम्नतः परिबद्ध उच्चतः परिबद्ध। तो कोई सीक्वेंस अगर निम्नतः परिबद्ध और उच्चतः परिबद्ध दोनों हो तो उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, हम परिबद्ध कहते हैं। तो ये हमने क्या किया, कोई सीक्वेंस लिया, कोई सीक्वेंस से हम कहाँ तक पहुँच गए, बॉन्डेड सीक्वेंस तक पहुँच गए। तो यहाँ से ये पता चला कि एवरी कोशिश सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस। ये जो थ्योरम है इसका कन्वर्स पार्ट क्या है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था कि इसका विलोम जो है सत्य नहीं होता, इसको आप ऐड कर लीजिएगा क्या, एवरी कोशिश सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो फिर से सुनेगा इसका कहने का क्या अर्थ है, अगर आपने कोई बॉन्डेड सीक्वेंस ले लिया तो जरूरी नहीं है कि वो कोशिश सीक्वेंस भी होगा, लेकिन कोशिश सीक्वेंस जो है हमेशा बॉन्डेड सीक्वेंस होगा ही होगा। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे, मैं पहले भी बता रखा था कोई भी एग्जाम्पल अगर किसी बात का खंडन करता हो, एक भी एग्जाम्पल दुनिया में जो भी बातें हैं उस बातों का कोई भी एक चीज़ का खंडन कर दे, कोई एक छोटा सा उदाहरण, अर्थात वो क्या है उसका सत्यता का जांच कर देता है और वो बता देता है कि हाँ भाई ये गलत है। तो देखिएगा मैं विलियमता में क्या बात करूँगा,
मैं कोई एक सीक्वेंस ले लूँगा, क्या सीक्वेंस ले लूँगा, बॉन्डेड सीक्वेंस ले लूँगा, परिबद्ध अनुक्रम ले लूँगा और उसको बताऊँगा कि वो क्या है, वो कोशी सीक्वेंस नहीं है करके। तो देखिएगा उदाहरण के लिए आप क्या कीजिएगा, एक सीक्वेंस ले लेते हैं माइनस वन की पावर क्या है ये आपका एन और ये क्या है एन इज इक्वल टू वन से इन्फाइनाइट की ओर। तो देखिएगा यहाँ पे जो सीक्वेंस आपका SN दिखाई दे रहा है, SN सीक्वेंस क्या है, एक प्रकार का बॉन्डेड सीक्वेंस है। कैसे बॉन्डेड सीक्वेंस है देखिएगा, इसमें जो भी कलेक्शन लेंगे हम, एक बार क्या आएगा, जब भी हम ऑड लेंगे N को तो माइनस वन आएगा और क्या आएगा दूसरा बार में क्या आएगा प्लस वन आएगा, ठीक है। हर बार जैसे कि मैं एस वन लिखूंगा तो क्या आएगा माइनस वन, एस टू लिखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर हम टू पुट करेंगे वन, फिर से मैं एस थ्री लिखूंगा तो क्या आएगा माइनस वन, फिर से मैं एस फोर पुट करूंगा तो क्या आएगा वन। इस प्रकार से देखिएगा वन माइनस वन, वन माइनस वन, इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो आपके दो टर्म्स मिल रहे हैं और ये दो टर्म्स में क्या है, एक छोटा है सबसे और एक सबसे बड़ा है, मतलब ये जो सिक्वेंस है ये बॉन्डेड है। माइनस वन इज लेस देन एस एन इज लेस देन वन, तो ये जो सीक्वेंस है बॉन्डेड सीक्वेंस था, लेकिन ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस है क्या? अब कोशी सीक्वेंस के लिए आपके बुक में बताया नहीं है कैसे करना है करके, तो अब कोशी सीक्वेंस है कि नहीं ये बताना चाहता हूँ। तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से आप क्या जानते हो, एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जहाँ पर एम एन दो अलग अलग नंबर्स होती हैं ग्रेटर देन एन, एन नॉट बिलोंग्स टू एन के लिए। तो आपको क्या करना है, दो अलग अलग टर्म्स ढूंढना है इस सीक्वेंस में और उनका डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस देखने के बाद एप्सिलॉन से भी छोटा आ गया तो उसको हम कोशी सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम, मैं क्या करता हूँ, इसके जैसा लिखने का प्रयास करता हूँ। तो इसके पास क्या देखिएगा, ये सीक्वेंस में केवल और केवल दो ही टर्म्स हैं, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, इसके बाद बाकी तो वही है, कुल मिलाकर वही रिपीट हो रहा है। तो इसके पास क्या है, दो टर्म्स हैं समझ के चलो। तो दो टर्म्स में आपका एस एन के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी को भी लिखो, माइनस वन लिखो या प्लस वन लिखो, मैं माइनस सॉ प्लस वन को लिख दिया। अब यहाँ पर ये माइनस होगा और यहाँ पर एस एम के जगह क्या लिखूँगा, इसमें से क्या लिखूँगा माइनस वाले को लिखूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन, है ना, पूरा मोड बंद कर दिया, इस लेस देन एप्सिलॉन करता हूँ। तो देखिएगा अंदर में ये क्या होगा, ये माइनस वन और ये माइनस वन जुड़ के क्या बन जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस वन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिएगा जो टू है, मोड हटा दूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है मोड का यहाँ पर, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो है मोड लगाने के बाद वही रहता है, तो मैं कर देता हूँ टू, ये जोड़ दिए, टू इज लेस देन एप्सिलॉन, क्या ये सही है? देखिएगा एप्सिलॉन इतना छोटा होता है, लगभग जीरो के बराबर होता है, वो आर्बिट्ररी स्मॉल एलिमेंट होता है, स्मॉल वैल्यू होता है, तो वो दो से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं होगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा दो से, है ना। तो दो क्या है, ऐसा होता है भाई, ये टू इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, दो को छोटा बोल रहा है ये एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ पर ये जो है गलत चीज़ हो जा रहा है, मतलब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, एस एन माइनस एस एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन मिल रहा है, जो कि कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। समझ आया? तो आपका कन्वर्स पार्ट भी अब क्लियर हो गया होगा। तो इसको अपने तरीके से आप एडजस्ट कीजिए आपके कॉपी पर कि आपको कैसा लिखना है करके स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये आपका जो आज का क्लास था उसमें से हमने जो दो थ्योरम पढ़े वो दोनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के ही कुछ अलग जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर हम बात करेंगे और डिफरेंट टाइप के जो थ्योरम्स हैं उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे आपको।